दोस्तों, गर्मी एकदम उमस भरी गर्मी है। यहाँ से घुसेंगे भाई साहब, देख सकते हो आप। ये देख, शिवाय नमस्ते मैं भक्तों, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भाई कुरुद धमतरी। यहाँ पे हो रही है दोस्तों शिव महापुराण की कथा गौरी शंकर, ठीक है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक दो कथा स्थगित होने के बाद फाइनली धमतरी में हो रही है शिव महापुराण की कथा। तो यहाँ पे है बस स्टैंड बोलता हूँ यार, मोटर वाहन स्टैंड बाइक वगैरह का, देख सकते हो कार और यहाँ पर रखी गई है दोस्तों पार्किंग में। और यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है कथा पंडाल। तो चलिए अभी आप लोगों को कथा पंडाल पे लेके चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे भाई उमस भरी गर्मी है, देखिए दोस्तों कि अभी बादल थोड़ा छाया हुआ है तो थोड़ा ठीक है दोस्तों, नहीं तो भाई साहब मरना हो जाता हम लोग का। तो फिर हाँ चलिए दोस्तों कथा पंडाल में लेके चलते हैं आप लोग को। भक्तों का तांता आप लोग तो जानते ही होंगे, लगातार आ रही है भक्तगढ़, रायपुर, बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के कोने कोने से। तो भक्तगढ़ बैग वेग लेके आ रहे हैं भाई साहब। ये देख, श्री शिवाय नमस्ते भम दाई हो, ये देखिए दोस्तों। चलिए भाई कथा पंडाल में फर्स्ट पहुंचने वाले हैं हम लोग। और ये देख सकते हो दादी लोग को भाई सर पे बैग लिए और हाथ में पानी लिए चल रहे हैं भाई इतनी भयावह गर्मी में, देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए भाई कथा पंडाल तक यहाँ से घुसेंगे भाई साहब, देख सकते हो श्री शिव महापुराण कथा कुरुद, ठीक है। तो यह है प्रवेश द्वार और भक्तों की ताता आप लोग देखिए, उधर पुलिस स्टाफ है भाई साहब, पुलिस सेवा में लगे हुए हैं। बाकी भीड़ आप लोग देख ही सकते हो दोस्तों, इतनी धूप में इतनी सारी पब्लिक आ गए हैं आज कथा का पहला दिन। ये देखिए दोस्तों कथा पंडाल, आज कथा का प्रथम दिन, प्रथम दिवस। और देखिए भाई ये बजरंगबली है, जबरदस्त देख सकते हो दोस्तों भक्तों का भीड़ आज। आयोजक डुगरी दाई है हमारा, देखिए दोस्तों गर्मी एकदम उमस भरी गर्मी है। तो गर्मी इतना है ना, देख सभी अपना व्यवस्था कर रहे हैं दोस्तों, सभी अपने देख रहे हैं दोस्तों गर्मी से बचने के लिए। Yeah.
दोस्तों आज का जो कथा है दोस्तों वो समाप्त हो चुकी है और हम लोग भाई साहब एक मंदिर है दोस्तों कुरुद में, यही पास तालाब है वहाँ पे नहाए और ये मंदिर है भाई बैठे हैं भोले बाबा जी का। ये ग्रो है दोस्तों कहाँ से है भाई? राजनांदगांव से आया भाई, खास कथा सुनने के लिए आया भाई साहब और हम लोग मस्त अभी मंदिर में बैठे हैं भोले बाबा का, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो कुछ देर बाद हम लोग यहाँ पे बैठेंगे, इसके बाद हम लोग पंडाल की ओर जाएंगे दोस्तों। तो रात में जो भजन चलती है दोस्तों उसे दिखाएंगे आप लोग का, पूरा ब्लॉग में बने रहिएगा ठीक है। तो ये ब्लॉग यही करते हैं, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।